लखनऊ के थाना विभूतिकरण स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि यहां पड़े एक महिला के शव को कुत्ते नोच रहे थे, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब परिजन सुबह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मर्चरी पहुंचे तो लाश को देखकर परिजनों के होश उड़ गए और वह मर्चरी पर हंगामा करने लगे। मदन कुमार शुक्ला है, हमारी बहन हमको हमारे यहाँ फोन गया कि हमारी बहन की तबीयत खराब है। तब हम वहाँ से सीतापुर से चले, यहाँ पहुँचे आके लगभग 1 बजे तो हमको अस्पताल में मिली। उसकी तबीयत उस समय आँख खुल रही थी, देख रही थी हमको। उसके बाद 6:30 बजे तक इलाज चलता रहा। इलाज चलते ही इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में डॉक्टरों से कहा, हमने कहा कि मिट्टी दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, मिट्टी मर्चरी में रखी जाएगी और उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में पुलिस को सूचना दे देंगे, उसके बाद मिट्टी आपको देंगे। आगे ये हुआ कि हमसे कहे कि ऐसा फ्रीजर में रखवाओगे तो कुछ पैसे पड़ेंगे। फिर हमने उनको 100 रुपये फ्रीजर में रखवाने के लिए उनके कर्मचारियों को दिया। वही जो कर्मचारी थे उनका नाम हमको नहीं मालूम है, और उसके बाद 100 रुपये दिए और उसके बाद फ्रीजर में रखवाए, फ्रीजर में अपने हाथों से रखवाए। रखवा करके उसके बाद हम कहे कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा, जाइए सुबह 8 बजे आप आना। उसके बाद में जब FIR सब हो जाएगा, पोस्टमार्टम वाले आएंगे तब पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद में आपको मिट्टी मिलेगी। जब हम सुबह आए तो सुबह आने के जब हम आए उसके बाद हम बैठे रहे, पुलिस को फोन किया। क्या देखने को मिला आप जब सुबह हम आए हैं तो 10 बजे लगभग देखे हैं तो गेट मतलब बंद था, ताला लगा हुआ था, मिट्टी फ्रीजर के बाहर सर लटक रहा था, फ्रीजर के पूरी बाहर थी और ऐसे 3-4 सर था, सर बिल्कुल गायब था, कान वान सब नीचे थे, जो गहने पहनी थी वो सारे गहने गायब हैं, खून से पूरा शरीर लथपथ थी, पायल पहनी हुई थी, गले में मंगलसूत्र पहने थी और कानों में बाला पहने थी, नाक में बुंदा था और हाथ में एक अंगूठी भी थी। पेट में दर्द हुई थी तब इनको एडमिट कराया गया। हंगामा बढ़ते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्यवाही का आश्वासन दे हंगामा शांत कराया। रात को एक पुष्पा तिवारी पेशेंट एडमिट थी, उसने फिर जहरीला पदार्थ खाया, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया। फिर सुबह जब परिजन आए तो देखे उन्होंने कुछ जानवर के पर्ची न पड़े हुए, ऐसा मानना है कि जानवर ने सबको सतर्क कर दिया। प्रशासन को लापरवाही सब नजर आई? हाँ, गेट खुला है और ऐसा हुआ है तो प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं अस्पताल प्रशासन ने फसल लिया, उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजन जो FIR देंगे उसको जल्द से जल्द फैसला करके कार्रवाई।